हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है माइलेज। दोस्तों बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अपनी बाइक या स्कूटर का माइलेज कैसे इंक्रीज करें या नई जो रॉयल इनफील्ड आई है उनका माइलेज कैसे इफेक्ट करें। तो दोस्तों पहले हम जानेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, मतलब प्रॉब्लम एंड उसका सोल्यूशन क्या है, उस फैक्टर्स में कैसे कैसे जो हम अच्छी माइलेज जो है अपनी बाइक में से निकाल सकते हैं एंड अपनी माइलेज को इंक्रीज कर सकते हैं वो हम जानने वाले। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों फर्स्ट जो फैक्टर है वो है टायर एयर प्रेशर। अगर आपकी गाड़ी में, बाइक में, कार में टायर प्रेशर प्रॉपर नहीं है तो माइलेज कभी भी आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, बिकॉज प्राइमरी कॉन्टैक्ट जो है वो टायर होता है आपकी गाड़ी का, एंड टायर्स में अगर प्रेशर प्रॉपर नहीं है तो वो स्मूथनेस, वो माइलेज, वो जो पिकअप्स होती हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिसके वजह से माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप करता है। कहते हैं कि 3 to 4 अगर PSI प्रेशर जो है अगर गाड़ी में ड्रॉप हो तो आपकी गाड़ी में 0.5 to 1 km का इफेक्ट पड़ता है। और दोस्तों आपको रेगुलरली इंस्पेक्शन करना होता है, कम से कम वीक टू 10 days में आप एक बार प्रेशर चेक कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी गाड़ी का माइलेज, स्मूथ राइड और पिकअप जो है वो प्रॉपर रख सकें। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर। तो दोस्तों सेकंड जो फैक्टर है वो है चेन लुब्रिकेशन, एंड चेन लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी राइड को स्मूथ करने के लिए, माइलेज को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपने प्रॉपरली चेन लुब्रिकेशन नहीं करते हैं टाइम टाइम तो आपको वो टाइटनेस और लोडनेस फील होता है फिर गाड़ी में। आप जब सर्विस करवाते हैं अपनी गाड़ी की तो आपने देखा ही होगा कि आपकी राइड बहुत स्मूथ होती है, उस टाइम पर आपको एवरेज और माइलेज भी अच्छी मिल रही थी, बिकॉज जब भी सर्विस करवाते हैं वहाँ पे चेन लुब्रिकेशन होता है। चेन लुब्रिकेशन जब भी आप करवाते हैं तो आपको एक स्मूथ राइड का फील होता है, अच्छा पिकअप मिलता है और अच्छी माइलेज भी मिलती है। तो आप कोई भी लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं, चाहे आपकी ड्राई चेन हो, वेट चेन हो, तो उस तरह से आप अपने गाड़ी का लुब्रिकेशन कर सकते हैं। मेरे लुब्रिकेशन पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, चेन लुब्रिकेशन कैसे करते हैं, कैसे आप इंटरनल से कर सकते हैं, कैसे दूसरे जो चेन स्प्रेज आते हैं उससे कैसे कर सकते हैं। तो ये आप टाइम टाइम कम से कम 15 to 20 days में एक बार जरूर करिए। थर्ड जो फैक्टर है वो है ओवरवेट और ओवरलोड। दोस्तों जब भी आप अपनी गाड़ी, बाइक को ओवरलोड करते हैं तो माइलेज टोटली इफेक्ट करती है, बिकॉज आपकी राइडिंग स्मूथनेस जो है वो इफेक्ट करती है। जब आपकी स्मूथनेस इफेक्ट कर रही है तो आपका माइलेज टोटली कॉम्प्रोमाइज होता है वहाँ पर। अगर आप ओवर लगेज लेके जा रहे हैं तो आपकी माइलेज जो है इफेक्ट करेगी। जब आप डबल भी राइड कर रहे हैं तो माइलेज जो है वो रिड्यूस जरूर होने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, जब आप सिंगल राइड करते हैं तो पिकअप जो है, स्मूथनेस जो है वो अच्छी मिलती है, बट जैसे ही आप डबल राइड करते हैं तो पिकअप जो है वो ड्रॉप हो जाती है, आपको वो डिज़ायर पिकअप और स्मूथनेस नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी आप राइड कर रहे हैं तो हमेशा आप लिमिटेड लगेज के साथ में राइड करें ताकि आपको स्मूथ राइड मिल सके। तो दोस्तों चौथा जो फैक्टर है वो है क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, एंड ये आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी गाड़ी की लाइफ के लिए भी और माइलेज के लिए भी। माइलेज के लिए इसलिए बिकॉज अगर आपका फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, चाहे वो BS6 हो, चाहे BS4 हो, चाहे BS3 हो, कार्बोरेटर हो या फ्यूल इंजेक्टर हो, आपको उसको टाइम टाइम क्लीन करना होता है। अगर आप क्लीन नहीं करते हैं तो आपकी माइलेज टोटली इफेक्ट करती है, आपकी राइड जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, राइड को भी आपके इफेक्ट करता है। अगर आपकी माइलेज और आपकी राइड अगर सही करना चाहते हैं तो आपको मेंटेनेंस जो है करना पड़ता है। एंड आप जानते ही हैं कि फ्यूल जो है वो कार्बोरेटर या फिर फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू ही इंजन में जाता है, तो कितना ऑयल जाना चाहिए वो FI तो कैलकुलेट करता ही है, बट कार्बोरेटर में आपको मैनुअल ट्यूनिंग करवाना पड़ता है। तो वो मैनुअल ट्यूनिंग करवाइए और अपनी गाड़ी में प्रॉपर इंजन ऑयल वो फिल करवाइए, ताकि आपकी राइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और आपका इंजन जो है वो हैप्पी रहे, ताकि आपको अच्छी जो है वो माइलेज मिल सके। तो जो भी आपका रिकमेंडेड ग्रेड आपके यूज़र मैनुअल में दिया हुआ है उतना ही इंजन ऑयल जो है आप फिल करिए, उसी ग्रेड या क्वालिटी का इंजन ऑयल जो है आप फिल करिए। तो फिफ्थ एंड लास्ट जो फैक्टर है वो है राइडिंग स्टाइल। अगर आप ओवर क्लच, ओवर एक्सीलेटर या फिर ओवर ब्रेक करते हैं तो दोस्तों आपको माइलेज कभी भी प्रॉपर नहीं मिलने वाली। तो राइडिंग स्टाइल एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि आपकी गाड़ी की सारी पार्ट्स, सारी चीज़ें अगर सही हैं और आपका राइडिंग स्टाइल सही नहीं है तो आपको कभी माइलेज आपको सही प्रॉपर नहीं मिलेगी। अगर आप सिटी राइड करते हैं तो आपको माइलेज ठीक नहीं मिलती है, बट आप हाईवे राइड करते हैं तो माइलेज अच्छी मिलती है, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा आपको क्लच या ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं करना पड़ता है। बट सिटी में आपको टाइम टाइम पर जल्दी जल्दी में आपको क्लच और ब्रेक करने पड़ते हैं, इसकी वजह से माइलेज जो है वो ड्रॉप होता है। तो दोस्तों आप जो है, अगर आप ज़्यादा लीवर खींचते हैं, एक्सीलेटर ज़्यादा देते हैं, तो जो
थ्रोटल होता है उसका मुंह खुलता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो तेल है, ज़्यादा ज़्यादा फ्यूल जो है वो इंजन की तरफ में जाता है, जिससे कि आपका माइलेज जो है वो ड्रॉप होता है। तो आपकी राइडिंग जो है स्टाइल जो है, जो गियर शिफ्टिंग स्टाइल है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करिए तो आपकी माइलेज जो है वो अच्छी और बेटर हो सकती है। इकोनॉमिक राइड करिए जिससे कि आपकी माइलेज अच्छी और डिज़ायर माइलेज जो है वो मेंटेन भी हो सके। तो दोस्तों आई होप आपको सारे 5 फैक्टर क्लियर हो चुके होंगे, एंड फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है, चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताने चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। एंड यहाँ वीडियो कनेक्ट करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट प्रूफ। ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स, वीडियोस, टिप्स आपके लिए देता रहूँगा। बाय। It's not a game, it's a rage game.